जहाँ पे हज का खुतबा पढ़ा जाता है, ये वाली जाए ज्यारत भी कर ले, नफिर पढ़नी है जिसने वजू नफिर पढ़ ले, यहाँ पे जगह पानी नहीं है, वाशरूम वगैरह उन्होंने बंद किए हुए हैं, तो पानी खरीद के वजू कर सकते हैं, ठीक है जाए नफिर पढ़े और वापस आए जब मेरे भाई। माशाल्लाह जी, मैदान अरफात में जहाँ पे हज का खुतबा होता है जिसको बोलते हैं मस्जिद निमरा, अभी हम लोग मौजूद हैं मस्जिद निमरा में जहाँ पे हज का खुतबा होता है, और ये मैदान अरफात में ये जगह वाकई है, और यहाँ पे पानी नहीं है, और हज के दिनों में पानी होता है और वुज़ू किया जाता है, वुज़ू के लिए भी इवन के यहाँ पे पानी नहीं है। पानी की कदर कोई इन लोगों से पूछे जहाँ पे पानी की कदर है, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह पानी अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान में वाफर मकदार में पानी ही पानी दिया हुआ, लेकिन रब तआला के हुक्म से सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। ये मस्जिद निमरा है जी, मस्जिद निमरा में लोग आते हैं नवाफल अदा करते हैं, नवाफल अदा करते हैं और अपनी नेक हाजतें अल्लाह तबारक व तआला से पूरी करवाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब की सुनने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरी भी सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या अल्लाह तआला सब के लिए सामने पैदा कर, या अल्लाह तबारक व तआला जो आना चाहते हैं, जो इस दुनिया में आना चाहते हैं, इस नगर में आना चाहते हैं, सबको अपनी बारगाह में हाजिरी करवा, सबको अपनी बारगाह में हाजिरी करवा, सबकी नेक तमन्ना पूरी करवा, जो आना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसा वसीला बना दे कि वो आ सके और यहाँ पे अपनी हाज़िरी दे सके। ये है जी मस्जिद निमरा, मस्जिद निमरा के हाथे में हम लोग मौजूद हैं, मस्जिद निमरा, मस्जिद निमरा जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है, यहाँ पे हज का खुतबा ये दिया जाता है, हज वाले दिन जो मेन खुतबा होता है वो यहाँ पे होता है मस्जिद निमरा में होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है आपको और हमें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है आपको और हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। ये जी मस्जिद निमरा जहाँ पे हज का खुतबा होता है, जहाँ पे हज के दिन मेन जो खुतबा होता है इस मस्जिद, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो बीमार है अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत दे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो इस जगह पे आना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कोई ऐसा असबाब बनाए कि वो भी इस जगह पे आ सके और अपनी नज़रों से इन तमाम ज़ियारत को देख सके। अंदर आ चुके हैं अरफात में, दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, ज़ुहरैन ज़ुहर असर और मगरिबैन मगरिब ईशा मुजल्फा में इकट्ठी पड़ी जाती है, और जो 10 ज़िलहज की रात है जो हज का रुकन है खुले आसमान के नीचे रात गुजारना वो ये जगह है, जो हाजी खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं वो ये जगह है, और यही मुजल्फा है जहां से लोग कंकरी उठाते हैं शैतान को मारने के लिए। वो आ गया ये सारा मुजल्फा है, ये इख्तिताम है मुजल्फा का, शुरुआत भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे क्योंकि एक ज़ियारत है साइड पे, तो इसलिए वो ज़ियारत करते हुए फिर हम इसी रास्ते पे आ जाएंगे। कंकरियां यहाँ पे ढूंढनी पड़ती हैं या मिल जाती हैं? अच्छा, गवर्नमेंट सऊदी अरब वो बजरी यानी कि यहाँ पे डलवा देती है जगह जगह। और ऐसे तीन ही रास्ते हैं मेरे भाई जिस पे हाजी चल के पैदल अरफात में दाखिल होते हैं, मीना से निकलकर सिर्फ गुजरना है यहाँ से, और अरफात से निकलकर रात गुजारनी है यहाँ, सिर्फ एक रात, ये रास्ते एक दो और तीन। नजारा कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं यहाँ से उल्टे हाथ में अरफात
पर्दे को साइड पे करें, बाजू नीचे करें। भाई यहाँ पे सीधे हाथ पे पहाड़ के साथ साथ एक दीवार नजर आ रही है, ये है नहर जुबैदा, जो मलका जुबैदा ने बनवाई थी ये नहर, इसका नाम है नहर जुबैदा। ये पहाड़ के साथ साथ ये पत्थरों की दीवार बनी हुई है और बहुत पुरानी है, ये 1000 साल से ज्यादा का सौ का पेश बने हुए। मक्का जुबैदा हज पे आई, इधर हज पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे हाजियों के लिए भी और मक्का वालों के लिए भी पानी की किल्लत है, तो उन्होंने फिर अपने मुल्क जाके इराक, वहां से जाके इराक का जो शहर है बगदाद, वहां से लेकर यहाँ तक ये नहर बनवाई और पानी लेकर आई। ये पानी आया कहाँ से था? इराक के शहर बगदाद। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक पानी की नहर, यानी वहाँ इराक से पानी यहाँ पे आया जी। अभी इसमें पानी है? अभी नहीं है, अभी नहीं है, ये उस दौर की बात है। 1000 साल हो चुका है, 1000 साल से ज्यादा हो चुका है। अच्छा, नहर अभी खुश्क हुई है 100 साल पहले। अच्छा, बगदाद से पानी वहाँ से यानी छोड़ते और यहाँ पे लेके आते। मेहनतकश लोग थे बहुत ज्यादा, आजकल तो लेजी हैं। ये दीवार है जी, ये नहर है जो इराक से आ रही है। जब रुकता था ना प्रेशर पीछे से आता था, फिर पानी आगे चढ़ता, यानी कि यहाँ पे पानी रुकता और पीछे से प्रेशर आता है और प्रेशर की मदद से ये पानी ऊपर चढ़ के जाता। मोटरें तो नहीं थी, बिजली तो नहीं था उसमें।